न्यूज, खबरों की नई पहचान। बंग समुदाय ने बलियापुर के सिंदूरपुर, दुधिया, बाघमारा, कुसुमाटाल, मुकुंदा के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को विधि विधान के साथ मां विप्तारिणी की पूजा की। बताते चले कि यह पूजा सुहागिन पति, संतान और पूरे परिवार के कल्याण के लिए करती है। रथ यात्रा के बाद जो पहला मंगलवार और शनिवार पड़ता है, उसमें यह पूजा करने की परंपरा है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु महिलाओं का तांता लगा रहा। मां विप्तारिणी मां काली का एक स्वरूप है। इस पूजा में संख्या 13 का विशेष महत्व है। इस पूजा में वरद सूत्र अर्थात रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जो 13वां रूप से तैयार किया जाता है। महिलाएं उपवास रख कर इसे तैयार करती है। मान्यता है कि यह सूत्र बांधने से पति व संतान पर आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। साथ ही जिनकी विवाह में कठिनाइयां आ रही हो, वह भी इस दिन मां विप्तारिणी से मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा आराधना करती है। महिलाएं मां से हर तरह की विपत्ति हरने की प्रार्थना किए। मां विप्तारिणी की तरह तरह के फल फूल, मिठाई, पान सुपारी, धूप का भोग लगाया। वहीं वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न विकट परिस्थिति को देखते हुए कई क्षेत्रों में महिलाएं ने पूरे विश्व को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए भी मां विप्तारिणी से प्रार्थना करते नजर आई। यहाँ पर विप्तारिणी व्रत का पूजा हो रहा है बलियापुर सीमा के। इसमें क्या होता है कि माँ दुर्गा के विशेष रूप से विप्तारिणी की पूजा होती है, और इसमें क्या होता है कि आदमी का मनोकामना के लिए, कोई विपत्ति से बचने के लिए ये त्यौहार को मनाया जाता है। तो प्रति को ये बात होता है, ये विपत्ति को रक्षा करने के लिए माना जाता है, और ये हर साल मनाया जाता है। और अभी लॉकडाउन के चलते देखते हुए पति की संख्या बहुत सारी कम कर दिया गया है कि भीड़ जैसे मंदिर में ना हो, इसी को ख्याल रखते हुए हम लोग इस पूजा को कर रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जा रहा है, वर्तमान समय में देखा जाएगा क्या पोजिशन होगा, उसके बाद पिछले साल अगर होगा तो उस हिसाब से पति को बोला जाएगा, व्रत ग्रहण किया जाएगा पति। यानी अभी लॉकडाउन के चलते हम लोग को सब पति को जो है बोलना पड़ा कि भाई वहाँ विप्तारिणी की कृपा से इस साल के लिए घर में मना और खुशी से घर में मना।